दोस्तों आज जो मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ ये ज़बरदस्त सिस्टम है। इसका पानी बड़ा प्रेशर वाला है, ये देख लें, बहुत ही प्यारा सेटअप। पहले मैं आपको पानी चेक करा लूँ इसका। दोस्तों ये सिस्टम मुझे बहुत ही पसंद आया है क्योंकि ये हाई प्रेशर पानी वाला सिस्टम है। अगर आपको ये सिस्टम पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा सिस्टम है। सिस्टम का पानी देखें, ज़बरदस्त पानी है। अपने नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इस सिस्टम के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपने इंजीनियर का नंबर दूँगा, आप उस पर व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी। हाई प्रेशर वाटर है, 5 इंच की डिलीवरी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये सिस्टम आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बता चलूँ कि काफ़ी ऐसी मैटर हैं जो ये डिपेंड करती हैं कि आपका पानी इतना ज़्यादा क्यों है, कम पैनल पे भी बहुत ज़्यादा पानी। इसी सिस्टम को देख लीजिए, ये सिस्टम 24 पैनल पर चल रहा है। पैनल जहाँ से काफ़ी दूर लगाए गए हैं वो भी मैं घूम करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको एक वजह पता चलूँ कि पानी ज़्यादा होने की वजह क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आप जहाँ पे ये सिस्टम चला रहे हैं वहाँ वाटर लेवल क्या है, कितने फीट पे पानी है। आप इसी सिस्टम को देख लीजिए, ये जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे वाटर लेवल सिर्फ 15 फीट के करीब है। वाटर लेवल अप होने की वजह से आपने देखा होगा कि ये देखें, ये 5-6 पंप ग्राउंड सरफेस ज़मीन लेवल पर फिट किया गया है। ये सिर्फ वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से है। पानी ज़्यादा होने की दूसरी एक अहम वजह वो ये होती है, आपने जो ये बोर क्या है, ये बोर है, इस पर भी डिपेंड करता है कि इसकी गहराई कितनी है। आप इसी को देख लीजिए, ये बोर 140 फीट नीचे है और इसके साथ 12 इंच के फिल्टर यूज़ किए गए हैं। तो बोर अच्छा हो तो पानी इससे भी ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपका बोर अच्छा है और वाटर लेवल भी ऊपर है तो पानी ज़्यादा होगा। तीसरी वजह इस सिस्टम के साथ कि आप कौन सा पंप, कैसा पंप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस सिस्टम में आप देख लें, ये हाई हेड पंप है, ये ओल्ड पंप तो है लेकिन हाई हेड है, इसका हेड बड़े साइज का है। ये 5-6 का पंप है और ये 26-27 हज़ार का नहीं आता है लेकिन ये यूज में है। तो पंप की वजह भी हो सकती है कि पंप अगर अच्छा है तो पानी बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। दोस्तों इस मोटर को मोबाइल स्टैंड पे फिट किया गया है, आप इसे खींच कर कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देख लें, ये बड़े साइज की 15 HP की मोटर है। ये मोटर मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस 28,000 रुपीज़ है। इसका पानी देख लें, अच्छा है, बेहतरीन है। और ये VFD इन्वर्टर ये देख लें, ये भी इनविट कंपनी का है, ये 38,000 रुपीज़ में ख़रीदा गया था। ये केबल जा रही है इस तरफ, देख लें, ये टावर बहुत दूर है, मैं आपको टावर भी दिखाता हूँ। 24 पैनल पे चलने वाला ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। आप इसका पानी देखें, हाई प्रेशर वाटर है और मुझे ज़बरदस्त लगा है। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंजीनियर का नंबर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे भी रابطہ कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी उसी नंबर पे रابطہ कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा इस सिस्टम के बारे में। इससे पहले पीटर डीजल इंजन यूज़ किया जाता था लेकिन अब ये भाई साहब सोलर ट्यूबवेल यूज़ कर रहे हैं, इसकी बचत भी है, ज़बरदस्त सिस्टम है। ये देख, ये सिस्टम दोस्तों एक दिन में 2.5 से 3 एकड़ रकबा सराब करता है और यहाँ पे ये सेटअप 25 एकड़ के लिए नस्ब किया गया है। अच्छा, टावर यहाँ से तकरीबन 300 मीटर दूर लगाए गए हैं, वो मैं यहाँ से भी जूम करके दिखाता हूँ और नज़दीक जाकर इनकी स्पेसिफिकेशन भी दिखाऊँगा। ये देख लें, ये केबल जा रही है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, शायद टावर आपको नज़र आ जाएँ। ये देखें, ये केबल जा रही है, ये 752 केबल है। ये देखें, ये हैं वो टावर, 2 टावर लगाए गए हैं, एक टावर पे 12-12 सोलर पैनल, टोटल 24 पैनल पे चलने वाला ये सेटअप। अभी मैं नज़दीक जाकर
पैनल की स्पेसिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। अगर दोस्तों ये सिस्टम आपको पसंद आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंजीनियर का नंबर दूंगा, आप उस पर कॉल करके मज़ीद इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं। दोस्तों ये देखें, ये केबल जा रही है, ये दो टावर हैं, एक एक टावर पे 12-12 पैनल फिट किए गए हैं। ये देख लें, बारह पैनल इस टावर पे और 12 इस टावर पे फिट किए गए हैं। ये देख लें, इस स्टैंड पे भी 12 पैनल हैं और इस स्टैंड पे भी 12 पैनल हैं। टोटल 24 पैनल पे चलने वाला सेटअप अभी आप देख रहे थे। मोटर बहुत दूर चल रही है, वो भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देख लें, शायद आपको नज़र आ रही हो, मैं इनकी स्पेसिफिकेशन आपको चेक करा दूँ। तीन सौ तीस वाट का एक एक पैनल। ये देख लें, 330 वाट का एक एक पैनल है, टोटल 24 पैनल हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता चलूँ कि ये स्टैंडर्ड के पैनल हैं, A1 क्वालिटी के, और इनकी प्राइस 12,000 रुपीज़ है। इनकी वारंटी भी है, 12 साल इनकी वारंटी है।